राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय चार। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय चार। सुलेमान का राज प्रबंध और महात्म्य। राजा सुलेमान तो समस्त इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, और अर्थात सादोक का पुत्र अजरियाह याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहियाह प्रधानमंत्री थे। अहिलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था, और सादोक और एब्यातार याजक थे, और नातान का पुत्र अजरियाह भंडारियों के ऊपर था, और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था, और अहिशार राजपरिवार के ऊपर था, और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था, और सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इसराइलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था, और उनके नाम ये थे, अर्थात एप्रेम के पहाड़ी देश में बेनहूर और माकस, शालबीम बेत शेमेश और एलोन बेथानान में बेंदेकेर था, अरुबोत में बेन्हेसेद जिसके अधिकार में सौको और हेपेर का समस्त देश था, दोर के समस्त ऊंचे देश में बेन बिनादाब जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापत थी, और अहिलूद का पुत्र बाना जिसके अधिकार में तानाक मगिदो और बेतशान का वह सब देश था जो सारतान के पास और इज़रेल के नीचे और पेतशान से ले आबेल महोला तक अर्थात युकमाम की परली ओर तक है, और गिला के रामोत में बेन गेबेर था जिसके अधिकार में मनश्शे याईर के गिलात के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अरगोब का देश था जिसमें शहरपनाह और पीतल के बेड़े वाले 60 बड़े नगर थे, और इद्दा के पुत्र अहिनादाब के हाथ में महनैम था, नप्ताली में अहिमास था जिसने सुलेमान की बासमत नाम बेटी को ब्याह लिया था, और आशेर और आलोत में हुशे का पुत्र बाना, इस्साकार में पारुह का पुत्र यहोशापात और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था, उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्थात एमोरियो के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओक के देश में था, इस समस्त देश में वही भंडारी था। यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे, और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र के सिवान तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था, और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे, और सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हिरन चिकारे यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता था, और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था, और दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इसराइली अपनी अपनी दाखलता और अंगूर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थान थे और उनके 12,000 सवार थे, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी, और घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जव और पुआल जहां प्रयोजन पड़ता था
वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी है। फिर उसने लबानों के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं और पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धिमानी की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे।